तो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है, इज द स्क्रीन विजिबल, क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे पा रही है, और उसके साथ साथ मुझे आपका मैसेज मिला, थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो आज का सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन ओवर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज फेसबुक पेज, तो वहां पे भी आप इसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है सर्वाइकल, एक आज के समय की, आज के दौर की जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम समाधान कर सकते हैं अपने कीवा के प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि सर्वाइकल क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवा सप्लीमेंट। तो आइए इस सेशन को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है, व्हाट इज सर्वाइकल। और सर्वाइकल कॉमनली हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। और अगर बात करें सर्वाइकल रीजन का, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, हमारे अपर जहाँ पे हमारा स्कल खत्म होता है, हमारा जो खोपड़ी का हड्डी है वो जो खत्म होता है, उसके नीचे ये जो C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं नेक रीजन। और इसी में जब कुछ प्रॉब्लम होता है, स्टिफनेस का इश्यू आता है, या यहाँ की जो मूवमेंट है वो प्रभावित हो जाती है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। तो क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस, ये एक जनरल टर्म है जो दिया जाता है कि जब हमारा नेक रीजन के अंदर हो जाता है नेक पेन, या नेक के अंदर हो जाता है जकड़न, या होते हैं नेक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज का इशू, तो इसको जनरली हम बोल देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। और या आमतौर पे कई बार इसको बोला जाता है आर्थराइटिस ऑफ नेक या ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द नेक रीजन। और ये आज के बात करें करंट लाइफस्टाइल में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनके हमारे सामने आ रही है। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस की जो अकरेंस है या प्रिवलेंसेस है वो क्या क्या है, यानी क्या क्या इसके चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो 30s में जाके, यानी आफ्टर 27, 28 और या 30s के आसपास हमारे सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे एज पहुंचता है 60 या 60 प्लस, तो करीबन करीबन 10 में से 9 लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारे नेक रीजन के अंदर होता है पेन, फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। और अगर हम बात करें इसका, तो क्या क्या इसके रिस्क है, या किस किस को ये प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावनाएं हो जाती हैं, हु आर एट द मोर रिस्क। तो सबसे पहले जैसे हमने जाना कि इसके फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने ये आता है कि जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या जिनकी बार बार स्मोकिंग करने की हैबिट होती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे परिवार में किसी फैमिली मेंबर को होता है ये प्रॉब्लम, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी गर्दन पे ज्यादा खिंचाव आता है, जैसे बार बार आगे देखना, जैसे पेंटर होता है वो हमेशा आगे देखता है और पूरे फोकस के साथ काम करता है, या बहुत लंबे समय तक गाड़ी ड्राइव करना, या ऐसा काम जिसमें हमें बार बार बहुत लंबे समय तक नीचे देखना पड़ता है, जैसे प्लम्बर या फ्लोरिंग इंस्टॉल करने वालों को बार बार नीचे देखना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर बात करें अपना, तो जब कोई भी इंसान एक बहुत लंबे समय तक गलत पोस्चर में लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर में काम करता है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस का। उसके अलावा अगर किसी को नेक रीजन में इंजरी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा वो लोग जो काम करते हैं बोलते हैं हैवी लेबर, या खासकर कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाता है। तो आज के लाइफस्टाइल में, आज के जीवन शैली में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, और वो है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। और कहीं ना कहीं हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसको ये प्रॉब्लम
फेस करना पड़ता है। और इसी क्रम में अगर बात करें कि इसके कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, यानी कौन कौन से वो आम लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि हो सकता है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस। तो सबसे पहले अगर किसी के नेक रीजन के अंदर, गर्दन के एरिया के अंदर अगर होता है पेन यानी कि दर्द होता है, या होती है स्टिफनेस यानी कि जकड़न, तो ये सिम्टम है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का। उसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम और भी हैं, और मोस्ट कॉमन क्या है कि जब पेन होता है या होती है जकड़न, तो उसमें क्या होता है कि जब नेक की फ्लेक्सिबिलिटीज का इश्यू आता है, जब हम बात करते हैं कि गर्दन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज, लचीलापन या मूवमेंट अगर कम हो जाती है, वो भी एक सिम्टम है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का। उसके अलावा अगर हमारे नेक रीजन के अंदर होता है सॉरनेस, यानी कि प्रॉब्लम आती है नेक की, जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत आती है, अगर मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है, तो ये भी सिम्टम है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का। उसके अलावा अगर हमारे नेक रीजन में, गर्दन के क्षेत्र में अगर जो मसल्स हैं उनमें आती है ऐठन, तो वो भी एक सिम्टम है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का। उसके साथ साथ अगर हमारे नेक रीजन के अंदर आवाज आती है, क्लिकिंग होती है या ग्राइंडिंग होती है, तो ये भी सिम्टम है जो इंडिकेट करता है कि हो सकता है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का प्रॉब्लम। उसके अलावा डिजीनेस यानी सिर चकराना या मितली आना, ये भी एक सिम्टम है जो शो करता है कि प्रॉब्लम हो सकता है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का। उसके अलावा नेक में पेन होने की वजह से ये पेन, ये खिंचाव पहुंच जाता है हमारे अपर रीजन में और हो जाता है हेडेक का प्रॉब्लम, तो ये भी हो सकता है ये सिम्टम ऑफ सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस। तो अगर किसी को ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसको हो सकता है सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस का प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए या उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन सप्लीमेंट्स है, उसमें सबसे पहला सप्लीमेंट जो आपको रेकमेंड करना चाहिए वो है, नाम से आपको आइडिया हो जाता है, और वो है कीवा सर्वाइकल ड्रॉप। और जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, ये एक ऐसा ड्रॉप है जो सर्वाइकल पेन के अंदर या जो भी सर्वाइकल इश्यूज हैं, सर्वाइकल के अंदर स्टिफनेस है, पेन है, फ्लेक्सिबिलिटीज का प्रॉब्लम है, उन सब में बहुत शानदार बेनिफिट देगा कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, या खराब लाइफस्टाइल से भी हमारे नेक में प्रॉब्लम हो जाता है, और इससे क्या होता है हमारा स्पाइनल कोड, नेक लिगामेंट या जो जॉइंट और डिस्क होते हैं हमारे नेक रीजन के, उसमें इश्यूज आ जाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं वो सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस की प्रॉब्लम में। तो इसके लिए वी कैन रेकमेंड कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। तो अगर इस ड्रॉप की बात किया जाए तो ये एक ऐसा 100% हर्बल इफेक्टिव ड्रॉप है जिसको लेने से नेक रीजन के अंदर जो भी जकड़न है उसमें हमें राहत मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ेगा, और नेक रीजन में जो पेन है या जो फ्लेक्सिबिलिटीज नेक का है वो कम हो गया है या स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रहा है, उन सब में मिलेगा हमें शानदार बेनिफिट, ताकि हमारे नेक का जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, मूवमेंट है, वो बेहतर बना रहे। उसके साथ साथ ये नेक रीजन के अंदर क्रैम्प्स को, जर्किंग को या जो मसल से प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो हमारे कंधों के बीच में दर्द होता है या होता है हेडेक प्रॉब्लम ड्यू टू सर्वाइकल, उसको भी करेगा कंट्रोल कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। तो सबसे पहले बात करें हम सर्वाइकल केयर ड्रॉप का कंपोजिशन क्या है, तो इस ड्रॉप के अंदर आपको मिलेगा टोटल 5 डिफरेंट हर्ब्स का कंपोजिशन। सबसे पहले इसमें जो हर्ब होता है वो होता है सीधा कोर्डीफोलिया, इसको हिंदी बोलते हैं हम बाला, और ये एक बहुत शानदार हर्ब है जो होती है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ये दर्द को और सूजन को कम करने में सहायता करती है सीडा कॉर्डिफोलिया। दूसरा इसके अंदर जो हर्ब है वो है यूरेनिया पिक्टा, और इसको बोलते हैं हिंदी में डाबरा, और ये भी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प करती है, पेन को, स्वेलिंग को कम करती है। तीसरा जो हर्ब है वो है गेमेलिना अर्बोरिया, इसको हिंदी बोलते हैं गंभीरी, और ये भी होती है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। और चौथा इसके अंदर जो हर्ब है वो है बॉसवेलिया सेरेटा, इसको हिंदी बोलते हैं शलाकी, और शलाकी आयुर्वेदा के अंदर एक सबसे फेमस, सबसे जाना पहचाना हर्ब है जो होता है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर दर्द को, सूजन को कम करता है और बढ़ाता है फ्लेक्सिबिलिटीज के इश्यूज को करता है और बेहतर। उसके साथ साथ ये इसके अंदर पांचवा जो हर्ब है वो है रिसिनस
कि मैंने इसको हिंदी बोलते हैं अरंडी, और अरंडी भी का जो जैसे आपने देखा भी हो गांव के अंदर खासकर कि जब किसी को जॉइंट पेन होता है, नेक पेन होता है, तो मसाज किया जाता है अरंडी के ऑयल का, तो उसी का यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है जो होता है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट जो दर्द को सूजन को कम करता है और बढ़ाता है नेक की फ्लेक्सिबिलिटीज को ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा इसका जो बेस है दैट इज डीआयनाइज्ड वाटर, तो पानी के अंदर इस ये पांच डिफरेंट हर्ब का एक शानदार कॉम्बिनेशन बनता है कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। तो इस ड्रॉप की अगर बात करें, अगर आप इस ड्रॉप को कंज्यूम करते हैं तो इसके कंजप्शन से आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में सर्वाइकल के अलावा, नेक के अलावा जिस भी जॉइंट में पेन होगा, दर्द होगा, ये अंदर से उसको कम करने में, खत्म करने में हेल्प करेगा और देगा आपको दर्द के अंदर राहत। उसके साथ साथ जो हमारा नेक लिगामेंट्स है, उस नेक लिगामेंट्स के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टिफनेस का है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, उसको बेहतर करने में ये हेल्प करेगा और कंट्रोल करेगा स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम को। उसके साथ साथ डिस्क पेन जो होता है, डिस्क में जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसके पेन को कम करने में हेल्प करेगा कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। उसके साथ साथ सर्वाइकल पेन में जो बहुत प्रॉब्लम होती है नेक की मूवमेंट करने में, गर्दन को हिलाने में, उस दर्द को कम करने में हेल्प करेगा और कम करेगा गर्दन के एरिया में जकड़न को, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी शानदार बनी रहे। उसी के साथ साथ अगर बात करें डोसेज का, तो सर्वाइकल केयर ड्रॉप को लेना होता है 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और अगर आप इसका सेवन करते हैं सुबह शाम खाली पेट, तो ये आपको देगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कमाल के रिजल्ट, जिससे हमारे नेक्स के अंदर या जो भी जॉइंट्स है उसके अंदर जो पेन है, स्वेलिंग है, वो कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ेगा और आपको मिलेगा एक शानदार फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ द नेक एंड जॉइंट्स रीजन। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। इसके साथ साथ एक और ड्रॉप है जो बहुत शानदार काम करती है हमारे जॉइंट पेन या सर्वाइकल पेन के अंदर, और वो ड्रॉप जो है वो है कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप। और कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप कैसे काम करती है, कैसे पेन को कम करती है और क्या इसके प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप एक शानदार फॉर्मुलेशन है जिसमें आपको मिलते हैं 84 प्रकार के आयनिक ट्रेस मिनरल। और अगर बात करें हम मिनरल्स का, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर हो जाए मिनरल का डेफिशिएंसी, तो उनकी कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि मिनरल्स आर वेरी क्रूशियल फॉर अवर एंटायर हेल्थ। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मिनरल बहुत बेहतर काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी में हो जाए मिनरल का डेफिशिएंसी, तो हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम। और ये बात प्रूव करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिनको मिला 2 बार नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा था, उन्होंने रिसर्च किया था कि यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के अंदर जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे का जो कारण है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा वो है मिनरल का डेफिशिएंसी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी कुछ तकलीफें आती हैं, उन सब का जो रूट कॉज है दैट इज लैक ऑफ मिनरल। यानी जब हमारी बॉडी में मिनरल्स की, खनिज की कमी हो जाती है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉयल वलाच। उन्होंने कहा था कि 900 डेफिशिएंसी डिजीज आर प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। यानी अगर हम एक बेहतर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं जिसके अंदर आपको मिले एक बेहतर मात्रा में मिनरल्स का कंपोजिशन, तो आप 900 से ज्यादा बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही काम करता है कीवा का एंशियंट मिनरल ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर देख पाए, अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बॉडी के अंदर हो जाता है मिनरल का डेफिशिएंसी, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर किसी को है एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, अस्थमा प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट्स, बाउल डिजीज, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉब्लम, डायबिटीज, फटीग, हार्ट डिजीज,
हाइपरटेंशन, इंसोमनिया, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, मसल्स का, बोन्स का प्रॉब्लम, नर्व्स प्रॉब्लम, गायनेको प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, टूथ प्रॉब्लम या लो शुगर लेवल, ये सब इंडिकेशन है कि अगर हमारी बॉडी में हो जाता है मिनरल का, खनिज का कमी, तो ये सब प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो एक बात यहाँ से ये भी हमें हमारे सामने आती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइट के अंदर हमें मिले एक बेहतर कंपोजिशन ऑफ मिनरल, तो हम इन सब प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं और उसी में हेल्प करेगा कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप। तो इसकी अगर बात करें तो ये ड्रॉप आपको देगा 84 प्रकार के आयनिक ट्रेस मिनरल, जो हमारे एंटायर हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन जैसा आज का हमारा टॉपिक है और वो है सर्वाइकल पेन, तो कैसे KMD हेल्प करेगा सर्वाइकल पेन को कम करेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है ये 84 प्रकार के अलग अलग आयनिक मिनरल, तो बहुत सारे नाम है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको बाद में पढ़ सकें। इट्स कंटेन 84 आयनिक मिनरल्स जो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी को। और इसके साथ साथ अगर ये ऐसा फॉर्मूला है जब इसको हम लगाते हैं एक्सटर्नली, यानी भारी रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब स्किन के टच में आता है और इसको मसाज करते हैं तो बहुत जल्दी ये हमारे स्किन के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको कंज्यूम करना, लगाना बहुत आसान है और इसके लेने से हमारी बॉडी में मिलते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें हम बेनिफिट्स का, तो इसको लेने के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहले जैसा हमारा टॉपिक है और वो है सर्वाइकल पेन या जॉइंट पेन, तो अगर किसी को जॉइंट पेन है, एंकल पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है, या है सर्वाइकल पेन, यानी बॉडी के अंदर कोई भी पेन जो हमें होता है, बॉडी में कहीं पे भी दर्द है या सूजन आ जाती है या है स्टिफनेस, जकड़न, वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली, यानी भारी रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लेंगे कम से कम 20 ड्रॉप ऑफ कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप, और जिस भी बॉडी पार्ट में पेन है, स्वेलिंग है, जकड़न है, वहां पे इसको लगाएंगे और करेंगे सर्कुलर मोशन में इसका मसाज। तो उससे क्या होगा, उस एरिया के अंदर ये मिनरल ड्रॉप हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और एब्जॉर्ब होके उस एरिया में जहां पे पेन है, स्टिफनेस है या है फ्लेक्सिबिलिटीज का इशू, वहां की सेल्स को देंगी बेहतर सपोर्ट, ताकि उन सेल का जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाए। और सेल अगर हेल्दी होती है तो वहां पे जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। यानी ये स्किन के माध्यम से जब मसाज होगा तो इसको सेल अब्सॉर्ब करेंगी और सेल का हेल्थ बनाएगा ये बेहतर। तो जहां पे भी पेन है, चाहे वो जॉइंट्स में हो, एंकल में हो, शोल्डर में हो, बैक में हो, नेक हो या हो सर्वाइकल पेन, वहां पे आप लीजिए 20 ड्रॉप ऑफ कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप और कीजिए सर्कुलर मोशन में मसाज। आपको मिलेगा तुरंत दर्द के अंदर आराम, फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ेगा और सूजन होगी कम। उसके अलावा इसको आप इंटरनली भी कंज्यूम करेंगे और आप ले सकते हैं इसका 20 से लेके 30 ड्रॉप सुबह शाम खाली पेट। तो ये क्या करेगा, अंदर जाके बॉडी को देगा मिनरल्स जो अगेन हेल्प करेंगे अंदर से रिकवरी में और आपको बनाएंगे और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा स्ट्रांग। उसके साथ साथ अगर आप लेते हैं कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप, कंज्यूम करते हैं इंटरनली, तो ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाएगा ताकि जो टॉक्सिन्स है वो लगातार बाहर निकलते रहे। उसके अलावा अंदर से ये दर्द को, सूजन को कम करने में सहायता करेगा ताकि जो पेन बॉडी में होता है, ज्वाइंट्स में होता है, वो कम से कम हो। उसके अलावा स्ट्रेस को या माइग्रेन को और हेडेक को कम करने में हेल्प करेगा और देगा हमें एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन, ताकि हमारी स्किन रहे बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग। उसके अलावा डिप्रेशन को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंशिएंट मिनरल ड्रॉप। उसके अलावा जो हमारा मसल फंक्शन है उसको बनाता है बेहतर, और जब मसल का फंक्शन बेहतर होगा तो मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन है या रिलैक्सेशन है वो बेहतर होगी, उससे जो पेन होता है या जो स्टिफनेस आती है वो कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा हमारे जॉइंट्स का बहुत ही
शानदार। उसके अलावा ये हेल्प करेगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और बैलेंस में रखेगा हॉर्मोन्स के लेवल को। उसके साथ साथ ये हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप को, यानी जो नींद का हमारा क्वालिटी, उसको बेहतर करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, माइग्रेन और गठिया के दर्द को करेगा कंट्रोल, बिकॉज इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मिनरल जो करते हैं हमारी बॉडी को सपोर्ट, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं नॉर्मल शुगर लेवल को बनाए रखने में, जैसे ये रिच सोर्स है क्रोमियम का, और क्रोमियम जिम्मेदार होता है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जो हमारी हड्डियों को, दांतों को, जॉइंट्स को बनाते हैं मजबूत और देते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन, जॉइंट और टीथ। उसके साथ साथ ये हमारी जो भी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, न्यूरो डिसऑर्डर्स है, उसमें करता है बहुत शानदार सपोर्ट। और अगर बात करें सर्वाइकल पेन का, तो सर्वाइकल पेन के अंदर भी कई बार न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें भी ये करेगा बहुत शानदार सपोर्ट। उसके अलावा ये देगा हमें एक शानदार कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ताकि हमारा हार्ट फंक्शन बेहतर काम करता रहे। उसके अलावा हमारी एनर्जी को, वाइटलिटी को बढ़ाएगा और देगा हमें शानदार स्वास्थ्य। तो करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो, आपकी बॉडी में जो भी पेन होता है वो कम से कम हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पीएमडी अंदर से भी, यानी इसको पी भी सकते हैं। उसके अलावा जहां पे भी बॉडी पेन है वहां पे आप इसको मसाज कर सकते हैं, आपको मिलेगा शानदार बेनिफिट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ और बेहतर हो, तो आप डेली अपने पैरों के नीचे केएमडी से मसाज करेंगे, तो आपको आएगा एक शानदार रिफ्रेशिंग फीलिंग, बॉडी से टॉक्सिन जो होते हैं वो बाहर निकलेंगे और आप रहेंगे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव। तो इसके लिए आप सप्ताह में कम से कम 2 बार पूरी बॉडी में इससे, पूरी बॉडी के अंदर इसका मसाज कर सकते हैं, ताकि पूरी बॉडी की जो मसल्स है उनके अंदर स्टिफनेस है वो कम से कम हो, पेन स्वेलिंग कम हो, और आपको मिले एक शानदार हेल्दी बॉडी। और अगर आप बात करें कंज्यूम करने का, तो मैक्सिमम आप इसका एक दिन में 30 से 40 ड्रॉप कंज्यूम कर सकते हैं इंटरनली। तो ये है शानदार बेनिफिट ऑफ कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप और कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी सर्वाइकल रीजन के अंदर पेन है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, वो कम हो, ज्वाइंट का फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़े, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा सर्वाइकल केयर ड्रॉप एंड कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप। सर्वाइकल केयर ड्रॉप को आपने लेना है इंटरनली, यानी इसको पीना है, और केएमडी को पीना भी है, और साथ में आप भारी रूप से इसका मसाज भी कर सकते हैं और ले सकते हैं इसके शानदार बेनिफिट, शानदार फायदे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, जिसमें हमने जाना व्हाट इज सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, ये क्यों होता है, और कैसे कीवा की 2 शानदार ड्रॉप को इस्तेमाल करके वी कैन कंट्रोल दिस प्रॉब्लम एंड रिड्यूस द पेन, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द स्टिफनेस इन द जॉइंट। तो आज के लिए इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि आज के वर्तमान दौर में जो कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकल पेन का, उसका समाधान आपको मिल गया होगा, और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज करेंगे और यूज करवाएंगे, तो आपको मिलेगा शानदार बेनिफिट और आप रहेंगे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और फ्लेक्सिबिलिटी आपका बनेगा और भी बेहतरीन। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद कीवा, और हमेशा जो भी सेशन होते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, आपकी टीम के लिए, उन सबको अटेंड कीजिए, सो दैट कि आपका जो लर्निंग है वो लगातार बेहतर होता रहे। क्योंकि अगर आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा, और ज्यादा सीखने के लिए आपको सब सेशन में आना पड़ेगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।